हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल का गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है संडे और बज रहा है करीब 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो फिलहाल हम लोगों का जो है नाश्ता वगैरह हो चुका है। नाश्ता करके, चाय वगैरह पी के और नहा के बढ़िया आप छत पे आए हैं धूप खाने के लिए। मैं शिवानी और वो पीछे हैं हमारी खुशी। खुशी आ चुकी है, आप लोगों को मैंने बताया नहीं। खुशी, अंकित, आंचल सब लोगों ने बिल्कुल अचानक से आके हम लोगों को सरप्राइज़ दिया। हम लोगों को तो पता ही नहीं था ये लोग आने वाले हैं। अचानक से लोग आ गए सुबह सुबह 4:30 बजे। हम सब लोग शॉक, मतलब सरप्राइज़ हो गए, मतलब तो अच्छा लगा। और अभी घर पे रौनक हो गई है खुशी के, और अभी के आने से अभी भी जो है ना मामा के यहाँ से अपने कल वापस आ गए हैं। अभी तक घर में सन्नाटा था, सिर्फ मैं और मम्मी थे। अभी देखो अभी खुशी इधर आओ, अभी कम जल्दी आओ। देखो अभी आ रहा है, अभी जल्दी आओ। अबू हेलो करो, हाय खुशी, हेलो करो। देखो अभी ने हेलो कर दिया, देखो अभी आ रहा है मेरे पास। आ जाओ अभी, अभी गुड बॉय है, आ जाओ अभी, मेरा बच्चा है ये। देखो पुच्ची कर दो अभी को। अब खुद दी को बुलाओ। दी इधर आओ दी। तो ये देखो भाई, सब लोग मेरे खुशू से मिल लो। मेरा खुशू आ गया है मॉम के पास, और खुशू रोई रोई कर रहा था लेकिन अभी चुप हो गया है। मेरा बहुत अच्छा बच्चा है खुशू, बिल्कुल रोई रोई नहीं करता है। हाँ देखो, खुशू और अभी दोनों बहुत अच्छे बच्चे है। अभी कहाँ जाना है, जाओ। इस तो फिलहाल अभी हम लोग नाश्ता करने के बाद ना छत पे आ गए हैं। क्या छत पे थोड़ा सा धूप वगैरह है ना, नीचे तो बिल्कुल धूप लगती नहीं है। तो आजकल धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है, और मौसम ठंडा है तो नहाने के बाद और नाश्ता पानी करने के बाद ना ठंड लगती है। तो लगता है कि धूप चल के थोड़ा धूप सेकते हैं। तो फिलहाल बच्चों को आंचल जो है नीचे अपने काम निपटा रही है, थोड़े कपड़ों का रख रखाव देख रही है, और अंकित और निशु बाहर गए हुए हैं, और मैं शिवानी बच्चों को लेके आ गए ऊपर कि थोड़ी देर धूप में बैठेंगे। धूप में आके बड़ा सुकून मिल रहा है, और खुशी को लिया ना सांस फूल गई मेरी, अभी बड़ी हो गई है। तो फिलहाल मम्मी अभी सत्संग गई हैं, क्योंकि संडे को मम्मी का सत्संग रहता है, तो मम्मी सत्संग गई हैं। तो फिलहाल चलो आज हमारा संडे कैसे स्पेंड होगा देखते हैं, कैसे कैसे स्पेंड करेंगे। वापिस जाओ। अच्छा नमस्ते, चलो। तो आज बस इसी तरीके से बच्चों के साथ मस्ती होने। तो फिलहाल छत पे थोड़ी देर धूप सेकने के बाद और बच्चों के साथ एंजॉय करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में, और इधर बज रहा है दोपहर का 12:30 से 1 के बीच का टाइम हो रहा है। एग्जैक्टली टाइम पता नहीं है, बट कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा है। और यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। तो आज दोपहर के खाने में हम लोग बनाने वाले हैं तहरी, यानी कि हमारे काउंटर में बोलते हैं तहरी को, वेज पुलाव भी बोला जाता है। तो वेज पुलाव, तो इसके लिए देखिए हमें कुकर पे जो है ना प्याज और हरी मिर्च और टमाटर वगैरह को भूनने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे एक साइड जो है ना सारी तैयारियाँ हो रखी हैं। सब्जी सारी कटी हुई है, बस गोभी भी कटे हुए रखे थे, बस गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पे देखिए सब्जियों को अच्छे से भून लिया है ऑयल में, प्याज हरी मिर्च टमाटर और जो भी सब्जी का रेगुलर मसाला होता है वो, और सारी ग्रीन सब्जियाँ सबको डाल के अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे भूनने के बाद जो है अब यहाँ पे कुकर में जो है हम लोग चावल को भी डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे, और जितनी देर ये सब्जी फ्राई होगी ना उतना ही सब्जी में जो है ना उसमें सॉरी जितनी देर ये सब्जी फ्राई होगी उतनी देर जो उतना ही टेस्ट आएगा वेज पुलाव में। और एक साइड यहाँ पे देखिए ये शिवानी और अपने जो है ना हेयर कॉम कर रही है, सुबह से जब से ना किया ये, इसने हेयर कॉम नहीं किया तो इसको अब फुर्सत मिली है अपने हेयर पे कॉम करने का। तो मैंने वीडियो शूट किया तो बोल रही है आप ने ये भी वीडियो ले लिया मेरा, और बस यहाँ पे फिर से आ गई हूँ किचन में और कंटिन्यू कर दी है अपनी तैयारी बनाना। तो यहाँ पे अब जो है ना कुकर में चावल जो है ना मैंने पहले ही धुल के रख दिए थे, तो चावल डाल के भून के कुकर में लगा दी है सीटी, और अब आ गई हूँ यहाँ ऊपर अपने रूम में, बेडरूम में। और आज मुझे जाना है मार्केट, तो मार्केट जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी खाना खाया नहीं है मैंने, रेडी होने के बाद जाऊंगी तब नीचे खाना खाऊंगी जाकर। तो बस यहाँ पे जो है ना मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, क्योंकि आज है संडे और संडे को लाल किला मार्केट में बहुत ही ज्यादा बहुत ही भयंकर वाली भीड़ होती है। तो बस इसलिए दिन दिन की मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि रात में मुझे मार्केट में कुछ समझ में नहीं आता है
चीजों की क्लियरिटी और प्रॉपर चीजें वो दिन में ही समझ में आती है। तो बस यहाँ पे मैं और मेरी सासू माँ, मैं अपने साथ अपने सासू माँ को लेकर जा रही हूँ मार्केट, और थोड़ा सा जो है कुछ सामान खरीदना है जो कि जरूरी है। तो इस वजह से जो है ना दोपहर में मैं और मेरी सासू माँ निकल रहे हैं मार्केट, और मार्केट के लिए यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। सो गाइस, तो फिलहाल अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी जाकर नीचे मैं खाना खाऊंगी। और अभी मम्मी भी सत्संग से आ गई हैं, तो फिर मम्मी ने भी तब तक थोड़ा रेस्ट कर लिया है। तो अब निकलूंगी मैं थोड़ी देर के लिए लाल बंगला मार्केट। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे खरीदनी है, क्योंकि अभी जो है ना मेरे मामा के बेटे की शादी है, तो 8 तारीख को मुझे निकलना है रायबरेली उनकी शादी के लिए। तो थोड़ी बहुत चुट्टू पुट्टू वाली जो शॉपिंग है, खास खास चीज़ें मुझे वो करनी है। तो मतलब मैक्सिमम तो मैं सारी शॉपिंग कर चुकी हूँ, क्योंकि लास्ट अभी मेरे देवर जी की जो है ना तिलक परीक्षा एंगेजमेंट सब कुछ हुई थी, तो उसमें सब कुछ हो गया था। बस चुटपुट थोड़ा मुझे एक्चुअली मुझे थोड़ी अपनी मम्मी की शॉपिंग करनी है, तो इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं जाऊँगी, मुश्किल से आधे घंटे के लिए लाल बंगले। तो फिलहाल अभी मैं जो है ना बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, और स्वेटर नहीं पहना है क्योंकि आज का मौसम जो है ना यहाँ कानपुर का बहुत गर्म है, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, फ़ैन चल रहे हैं हर कमरे में। तो फिलहाल चलिए अभी रेडी हो गई हूँ और फटाफट बैग लेके निकलती हूँ, थोड़ा जाती हूँ नीचे, थोड़ा खाना खा लेती हूँ। तो जो कि आपने देखा ही मैंने तहरी बनाई है, तो थोड़ा बहुत खा के फिर निकलती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना दिन छोटे होने लगे हैं, 6 बजे से अंधेरा होने लगता है। तो अंधेरा होने से पहले मुझे घर भी आना है, और शाम को फिर मौसम ठंडा हो जाता है। तो फिलहाल चलो देर नहीं करते हैं, चलते हैं। गाइस, तो फिलहाल अभी मार्केट से वापस आ गए हैं, और आज संडे था ना, तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, भयंकर वाली बिल्कुल। तो जो है बस थोड़ी देर जो मेन मेन सामान था, थोड़ा बहुत जो भी ज़रूरी था, बस वही लेके हम लोग वापस आ गए, क्योंकि संडे के दिन तो मार्केट में ना बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो फिलहाल बस कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं गए थे, बस थोड़ा बहुत जो ज़रूरी चीज़ें थी जो घर के आसपास नहीं मिल सकती हैं, बस वही लेने के लिए गए थे। तो चलो आपको दिखा देती हूँ फिलहाल अपनी छोटी सी लाल बंगले की शॉपिंग। सो गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे मार्केट से वापस आ गए हैं घर, और मार्केट में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 2 घंटे में ही मार्केट से वापस घर आ गए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि आज संडे है, और संडे को लाल बंगला मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो जो शॉपिंग करके मैं लेकर आई हूँ वो सब आपको दिखाने वाली हूँ। फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, बस थोड़ी बहुत छोटी छोटी मगर मोटी शॉपिंग की है। तो बस यहाँ पे देखिए आज लाल बंगला गई थी, तो वूलन गर्म कपड़े बहुत ही जो है ना अच्छे से आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए थे सबसे पहले लाल बंगला, जाने के बाद हम लोग गए थे वी मार्ट, और वी मार्ट से हम लोगों ने लिया मम्मी के लिए ये स्वेटर। तो ये स्वेटर की क्वालिटी ना बहुत ही स्मूथ थी, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा स्वेटर था यार। अब ये जो है अब दिखाती हूँ आपको दूसरी चीज। तो दूसरी चीज ये क्या है, तो यहाँ पे जो है ना ये जो सामने रेड कलर का बैग रखा हुआ है ना, ये मैंने लाल बंगले से ही खरीदा है। और यहाँ पे जो है ना मैं लेकर आई हूँ रात के लिए गर्म नाइट सूट, नाइट ड्रेस जिसको पहन के रात में सोने होने के लिए ये जो है ना ठीक रहता है, कंफर्ट रहता है। तो रात के लिए मेरा ये मैं नाइट सूट लेकर आई हूँ, जो कि इसका ग्रीन कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया। तो बस यहाँ पे और इसकी क्वालिटी भी बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट सूट मेरा कितना प्यारा लग रहा है, इसमें बीच में हार्ट भी बना हुआ है, और यहाँ पे जो है ना ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अब देखिए वे लेकर आई हूँ मैं लाल बंगले से अपने पहनने के लिए कुर्ती, ये लॉन्ग कुर्ती, और इसका आप देख सकते हैं कि कलर जो है ना ये क्रीम कलर पे ब्लू और येलो कलर से और है, और ब्लू येलो और हल्का सा फिरोजी कलर है, और ये कुर्ती लॉन्ग है और बहुत ही प्यारी कुर्ती है। इस कुर्ती को तो मैंने लाल बंगले में ना वो जो दुकान वाले टांग कर रखते हैं ना स्टैचू को, तो मैंने स्टैचू में देखते ही पसंद कर लिया था, और दूर से इसका मैंने फोटो और वीडियो ले लिया था। और सेकेंड कुर्ती मैं ये लेकर आई हूँ,
ग्रीन कलर की है जो कि मेहंदी वगैरह के फंक्शन में मुझे बहुत काम आएगी। इसकी भी स्लीव्स जो है ना वो क्वार्टर है, मतलब हाफ है, और ये भी बहुत प्यारा है। हाथ में, बैक में, आगे गले में, सब में पूरा इसमें जो है ना जो है वर्क दे रखा है, डिजाइन दिया हुआ है। और जो है यहाँ पे इसमें एक बद्धियाँ भी दी हैं कि अगर आप टाइट करना चाहो तो टाइट भी कर सकते हो। और प्रॉपर एक क्वालिटी बहुत ही अच्छा है कपड़े की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिलहाल यहाँ पे भी कुर्ती भी फोल्ड कर देती हूँ, एक के बाद एक मैं सामान फैलाती जा रही हूँ, बाद में समेटेगा कौन। तो बस यहाँ पे देखिए कुर्ती का भी व्लॉग मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर जो है लिया है, अभी जो है मैंने यहाँ पे रेडीमेड सूट लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है देखिए सारी चीज़ें मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि एक बार फिर से आप लोग प्रॉपर अच्छे से देख लीजिए कि स्वेटर तो बहुत ही बेस्ट है। मैंने ये वीमार से लिया और मम्मी ने ये कुर्ती ली है अपने लिए, सिंगल कुर्ती है लेकिन है कॉटन में, और इसमें रेड कलर के रेशमी धागे से बूटे बने हुए हैं। और कुर्ती ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, औसम है। और साथ में ये कुर्ती भी इसके साथ जो है ना ब्लू है और क्रीम कलर की है, ब्लैक है, हर तरह की लगी इसके साथ मैच कर जाएगी। तो फिलहाल ये है हमारा लॉन्ग फ्रॉक। तो दोस्तों आज मार्केट से, आज सुबह से दोपहर तक का मेरा समय कैसे बिता, और मार्केट से मैं क्या क्या लेकर आई हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज़ आप भी जो है ना मेरे ऊपर अपना फुल सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपनी लाइफ में ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है ना सब कुछ बढ़िया आया है, सारी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा आया है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय से आपको मेरे न्यू आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे आने वाले एक और नए ब्लॉग के साथ एक